ආදින්න දාන වර්මනි සික්ඛාපදං ස්මාදියාමි ආදින්න දාන වර්මනි සික්ඛාපදං ස්මාදියාමි ධම්මපද ගාථා කථා නම්බර් 64 යා 64 ये सावित्री की जैतूनाराम की उदाई थेर की गाथा है। उदाई थेर या उदाई स्थिवर या उदाई उदाई भिक्कु भगवान बुद्ध के समीप में रहता था, पास में रहता था और अधिकतर उनके साथ में चारिका करते समय आता जाता था। एक बार जहाँ सारे के सारे भिक्कु बैठते हैं जो उनके आसन लगे हुए थे वहाँ वो बैठे हुए थे, तो कुछ जो नए भिक्कु हैं उन्होंने ये सोचकर कि ये जो उदाई थेर हैं ये भगवान के पास रहते हैं तो अवश्य ही बहुत ज़्यादा जानकार होंगे, कुछ उनसे गहरे प्रश्न, कुछ गुण प्रश्न जो मन के और जो मस्तिष्क के और शरीर के यानी रूप के और नाम के होते हैं, चित्त के होते हैं, माइंड के होते हैं, वो उनसे पूछ डाले। उदाई थेर इतने पारंगत नहीं थे, वो सिर्फ साथ साथ घूमते थे, पढ़ते कुछ नहीं थे, समझते कुछ नहीं थे, तो वो उन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए। तो इसकी चर्चा चली कि उदाई थेर इतने साथ रहते हैं और ये बात नहीं बता पाए। ये बात घूमते घूमते भगवान बुद्ध के संज्ञान में आई, तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही, गाथा कथा नंबर 64। याव जीवंपि चे बालो पंडितं पय रूप सती नैसो धम्मं विजानाति दब्बी सुप्रसंग यथा। याव जीवंपि चे बालो, याव जीवंपि, याव माने होता है जब तक, और जीव माने जीव और अंपि माने भी, यानी जब तक जीव रहेगा, जब जीवन पर्यंत। चे बालो, यदि बालो यानी मूर्ख अगर जीवन भर भी क्या करेगा, पंडितं पय रूपा सती, पंडितं यानी पंडित को, जानकार को, भिक्कु को, पीले रंग वाले को, भगवा को, या जो भगवा कलर के भिक्कु हैं या भिक्कुनि संग है उनके साथ। पय रूपा सती, पय रूपा सती का मतलब है संगति करेगा, साथ रहेगा यानी उनके साथ चलेगा। तो कोई अगर जो मूर्ख है अगर वो पूरे जीवन भर भी किसी भिक्कु के, किसी जानकार के, किसी ज्ञानी के साथ रहेगा तो भी क्या होगा, न सो धम्मं विजानाति, ने माने नहीं, सो माने वह, धम्मं माने धम्म को और विजानाति माने जानता है, यानी कि वह धम्म को नहीं जानता है। कैसे नहीं जानता है, दब्बी सुप्रसंग यथा, दब्बी जो बोलते हैं वो बोलते हैं चमचे को, चमचा युग तो आपने अच्छी तरह से देखा होगा, मान्यवर काशीराम जी का अभी जिक्र करते हैं उसका। दब्बी माने करछी या चमचा या लैडल। सूप रसंग का मतलब है, सूप माने होता है कड़ी यानी रेसा जो होता है, रस जो होता है उसको सूप बोलते हैं, और रसंग का मतलब है उसका स्वाद लेना, रस का मतलब रस भी होता है और रसंग माने उसका स्वाद लेना भी है। दब्बी सूप रसंग यथा यानी कि जैसे जो चमचा है वो जो कढ़ाई में पकता है, सूप पकता है, उसका स्वाद नहीं ले पाता है, वैसे ही अगर कोई मूर्ख किसी ज्ञानी के साथ जीवन भर भी रहे तो भी वो ज्ञान को नहीं सीख पाता है, ऐसा उन्होंने कहा। जो चमचा युग की बात है, आपने चमचा युग किताब पढ़ी होगी, मान्यवर काशीराम जी की है। मान्यवर का मतलब है कि वर माने श्रेष्ठ होता है पाली के अंदर, और मान्य माने मान्यता, यानी कि जो समाज ने उनको सबसे अच्छे की मान्यता दी है, श्रेष्ठ की मान्यता दी है, उसको मान्यवर बोलते हैं। कोई व्यक्ति किसी को कहता है आइए मान्यवर, तो इसका मतलब है कि वो उसको मानता है सबसे अच्छा। तो मान्यवर काशीराम जी ने जो जीवन भर मेहनत की तो उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे लोग जीवन भर किसी ना किसी ज्ञानी के, किसी जानकार के, खासतौर से जो उनका संदर्भ था वो था कि जो पॉलिटिकल पावर में जो लोग हैं, बेशक वो ज्ञानी है या नहीं मगर पॉलिटिकल पावर में जो लोग हैं उनके साथ में कुछ लोग लग जाते हैं और वो जीवन भर लगे रहते हैं, या तो उनकी गाड़ी चलाएंगे, या उनके जूते साफ करेंगे, या उनके कपड़े साफ करेंगे, या उनके बच्चों की टट्टियां साफ करेंगे, या उनके घर पर सब्जियां लेके आएंगे, या उनकी कुर्सियां साफ करेंगे, या मेज साफ करेंगे, बहुत सारे काम वो करते रहेंगे मगर इस पूरे जीवन भर साथ रहने पर भी वो उस जैसे नहीं हो पाते, क्योंकि वो कोशिश में रहते कि उन जैसे हो जाएं, उनको वो अधिकार मिल जाए, कुछ वो भी बन जाएं जैसे वो एमएलए एमपी या मिनिस्टर बने हुए हैं, मगर वो नहीं बन पाते और वो पूरे जीवन भर चमचे ही रह जाते हैं, ठीक ऐसे जैसे चमचा पूरी जिंदगी भर जो कढ़ाई है, जो
भगोना है या जो बर्तन है उसमें खाना बनाता रहता है मगर खुद नहीं चख पाता, खुद नहीं खा पाता। ये बहुत सरल सा धर्मपद है और ये कमाल की बात है कि आप देखिए कि उस समय से लेकर आज तक सारी बातें ऐसी की ऐसी बिल्कुल शुद्ध प्योर व्यवहारिक जीवन में समझ में आती है। यही बुद्ध की खासियत है कि बुद्ध ने बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए और वो आज भी उन एग्जाम्पल में और उन बातों में खड़े उतरते हैं 100%। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Kameshu Michchara Virmani Sikkhapadam Smadhyami.